क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आपको एक कहावत सुनाना चाहता हूँ कि टाइम सबसे बलवान चीज़ होती है। ये आपने सब बड़े बूढ़ों से सुना होगा और ये आज प्रूफ भी हो गया है, क्योंकि आप देखोगे पिछले हफ्ते टीम इंडिया ने वर्ल्ड यू नो T20 वर्ल्ड कप जीता था और हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और कल देखो जो हमारी टीम बी गई है, जो वर्ल्ड चैंपियन थी वहाँ दूसरी टीम गई है, लेकिन फिर भी पहला मैच जिम्बाब्वे से हार गई है। 5 मैचों की श्रृंखला में पहला 1-0 से अप हो गई है जिम्बाब्वे। तो ये टाइम का खेल है दोस्तों। तो हमें हम्बल रहना चाहिए, हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, इससे हमें ये सीख मिलती है। कभी भी हमें यू नो ज़्यादा नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेशन तो करनी चाहिए, मतलब हम्बल रहना चाहिए, हमें स्टे ग्राउंडेड रहना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। ये मैच जिम्बाब्वे में हुआ, हरारे क्रिकेट स्टेडियम में मैच हुआ। शुभमन गिल नई कप्तान थे, नई टीम थी, शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। तो शुरुआत अच्छी नहीं रही जिम्बाब्वे की। दूसरे ही ओवर में इनोसेंट कायरा को आउट किया मुकेश शर्मा ने, बोल्ड किया, तो वहीं से विकेट शुरू गिरने शुरू हो गए। लेकिन जिम्बाब्वे का एक ऐसा था ना कि जब भी विकेट गिरते तो थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप बन जा रही थी, सब जो थे दो दो डिजिट में रन बना रहे थे। आप देखोगे तो मैदवीर, उसने भी 21 रन बनाए, सिकंदर राजा ने भी 16 रन बनाए, ब्रायन बर्नेट ने भी 22 रन बनाए और डॉन मेयर्स ने भी 23 रन बनाए, और एंड में आते आते 115 रन बन गए थे। और एक का नाम देना चाहूँगा, क्लाइव मेडाने विकेट कीपर है, उन्होंने भी 29 रन मारे। तो आप देख लीजिए कि 115 रन एंड में बनते रहे बन गए वो, क्योंकि छोटी छोटी पार्टनरशिप हो रही थी, कोई 20 रन मारा था, 21-17 ऐसा रन देकर। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग काफ़ी तगड़ी रही, मेनली रवि बिश्नोई ने। रवि बिश्नोई को 4 ओवर में मात्र 13 रन दिए और 4 आउट किया। रवि बिश्नोई की गुगली जिम्बाब्वे वालों को समझ नहीं है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है स्पिन खेलने की। और वाशिंगटन सुंदर ने भी काफ़ी प्रभावित किया, 4 ओवर में मात्र 11 रन देकर 2 आउट किए। और खलील अहमद ने काफ़ी यू नो डिसअपॉइंट किया, 3 ओवर में 28 रन, एक भी विकेट नहीं। मुकेश शर्मा ने भी एक विकेट लिया 3 ओवर में 16 रन देकर। तो स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा रहा। वहीं पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की बैटिंग तो काफ़ी अच्छी नहीं रही। ओपनिंग जो करने आए डेब्यूटेंट अभिषेक शर्मा 0 रन पर आउट हो गए। चौथी गेंद पर ब्रनेट की बॉल पर वो उड़ाने के चक्कर में आउट हो गए लेग साइड में। वही मैं कह रहा हूँ ना, यही डिफरेंस था। जिम्बाब्वे के प्लेयर थे 20 25 16 17 रन मार रहे थे, वही इंडिया के प्लेयर एक ही डिजिट में आउट हो रहे थे। आप देखोगे ना, 0 पे आपके वो आउट हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, लेकिन शुभमन गिल ने आखिर एक जो था दूसरा छोर आराम से संभाल के रखा था। लेकिन वो कब तक संभालते हैं, अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ भी 7 रन पर आउट हो गए, फिर रिंकू सिंह भी 0 पर आउट हो गए, ध्रुव ज़रेल भी 0 पर आउट हो गए, 6 रन पर आउट हो गए ध्रुव ज़रेल भी। आप देखोगे 47 में 5 आउट हो गए थे, यही डिफरेंस रहा। वो थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनाते रहे 20 रन 30 रन 25 रन की, लेकिन इंडिया कोई भी पार्टनरशिप बनाते नहीं रही, और 46 रन पर 5 आउट हो गए। फिर सबसे बड़ा विकेट गिरा वो भी शुभमन गिल का, सिकंदर राजा ने बहुत अच्छी बॉल करी, वो अंदर को खेल रहे थे लेकिन वो बाहर को चले गए और बोल्ड हो गए, 31 रन पर आउट हो गए और 47 पर 6 आउट हो गए। और यहीं से डाउनफॉल शुरू हो गया, यहीं से यू नो लगा कि इंडिया मैच हार जाएगी, लेकिन एंड में थोड़ी बहुत फाइट करी। आवेश खान ने अच्छे रन मारे, 16 गेंदों में 12 रन मारे, अच्छा खेल रहे थे। अगर वो एक दो हिट लग जाती तो वहाँ से जिता लेकर जा सकते थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने थोड़ा सा अच्छा साथ दिया, 27 रन मारे, अकेले पड़ गए थे वो, तो अकेले पड़ने का तो क्या कर सकते थे, 9 आउट हो गए थे वो। तो 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे, लेकिन लास्ट के ओवर में 16 रन चाहिए थे। अब इतने रन में अकेला बंदा तो क्या ही करे, तो वो भी आउट मारने के चक्कर में आउट हो गए। तो एक तरह से ऑल आउट हो गई, पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए, 102 रन पर 10 आउट हो गए 19.5 ओवर में, एक बॉल रहती थी। अगर हम बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी रही। सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया मुझे सिकंदर राजा ने, क्योंकि सिकंदर राजा ने शुभमन गिल की विकेट ली और वहीं से उन्होंने 3 विकेट जल्दी जल्दी ले ली। राजा की बात करें तो 4 ओवर में मात्र 25 रन देकर 3 आउट किए उन्होंने। फिर एक चतारा है, फास्ट बॉलर है, उन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 आउट किया, और उन्होंने भी एक एक सभी ने एक एक आउट किया। तो बहुत तगड़ा यू नो जिम्बाब्वे का परफॉर्मेंस रहा ये। जिम्बाब्वे क्रिकेट को यू नो इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा, और मैन ऑफ द मैच रहे सिकंदर राजा, जिन्होंने 3 विकेट भी लिए और बहुमूल्य 16 रन भी मारे, जिसकी वजह से ये जिम्बाब्वे जीत गई। और खासकर उनकी फील्डिंग, वो भी लास्ट के 2-3 ओवर में बहुत रन रोके उन्होंने, तो जिम्बाब्वे के लिए यू नो एक काफ़ी बढ़िया बूस्ट मिला। और वहीं टीम इंडिया के लिए सीखना पड़ेगा, नए कैप्टन है, यंगस्टर है, लेकिन सीखना पड़ेगा। ये छोटी टीम है जिम्बाब्वे की, अगर इससे आप बड़ी टीमों के साथ खेलोगे, क्योंकि आपके 3 मेन प्लेयर विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा रिटायर हो गए हैं, आपको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और ध्यान से खेलना पड़ेगा। हर बॉल में उड़ाने की ज़रूरत नहीं है।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जब बड़ी टीमें आएंगी फिर असली फैसला होगा। आज दूसरा मैच है 4:30 बजे, आज जीतना ज़रूरी है, क्योंकि अब से अगर वो एक आधा भी मैच हारे तो डाउटफुल हो जाएगा ये यंगस्टर के लिए। तो देखना पड़ेगा यंगस्टर को भी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, हर बॉल में छक्का या चौका मारने की जरूरत ना करें, सिचुएशन को समझें, पिच को समझें, क्योंकि पिच स्लो थी, उनके मुताबिक नहीं थी, हर बॉल में चौका या छक्का नहीं लगा जा सकता जैसा IPL में हो रहा था। तो उम्मीद है कि इन जो है हार से इंडिया के नौजवान सीखें, और नई पीढ़ी जो है, जो 22-21 साल की है, इसमें ध्रुव सुरेल, रिंकू सिंह, ठीक है ना, आपके रियान पराग और अभिषेक शर्मा, वो सीखें और इंडिया को आज मैच जिताएं। रियान पराग भी अच्छे नहीं खेले आज, 0 रन पर वो आउट हो गए। तो आज देखते हैं क्या बनता है, कि इंडिया जीतेगी कि हारेगी। डर सा लग रहा है, क्योंकि यंगस्टर का कुछ पता नहीं, पहली जीत के पहली हार के बाद उम्मीद है जीत जाए। तब तक ले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।